गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर हिंदी सिलेबस के अंतर्गत आपको जागीरदार सर ने बहुत सारे विषयों को पढ़ाया है, लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रथम सोपान में आपने विश्वेश्वरैया जी के तक वहां तक पाठ आप पढ़ चुके हैं, पांच पाठ थे और पांच पाठ हो चुके हैं। द्वितीय सोपान की बात आती है तो पद्य है यहाँ पर, और पद्य के अंतर्गत आपने मध्यविन और आधुनिक कविताओं के अंतर्गत एक वृक्ष की हत्या यहां तक आप क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। जो तीसरा भाग जो आपको है इस वक्त वो है तृतीय सोपान, जो है एकांकी। पहले दो सोपान जो है प्रथम और द्वितीय वो आपको जागीरदार सर ने पढ़ाया है, उसको आपने सीखा है, और तृतीय सोपान जो बचते हैं यहाँ पर दो एकांकियां हैं। इन दो एकांकियों के अंतर्गत हम इसको आप जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एग्जाम के अंतर्गत एकांकियों के ऊपर कितने प्रश्न आए हैं, कि दो एकांकियां हैं आपको सुखीडाली और प्रतिशोध नाम की, और सुखीडाली और प्रतिशोध दोनों एकांकियों को अगर हम मिलाएंगे तो लगभग आपको 15 अंक दो एकांकियों से आएंगे। कैसे इन 15 अंकों को क्या है डिवाइड किया गया है ये हम जानेंगे कि एक अंक के पांच प्रश्न हैं और पांच अंक के दो प्रश्न आपको होंगे, वहां पर विकल्प चॉइसिंग भी होगा, आप देखकर लिख सकेंगे। तो एक अंक के पांच प्रश्न और दो अंक के कितने हैं, दो पांच अंक के प्रश्न कितने हैं, दो। पांच अंक के लिए दो प्रश्न यानी कि 10 अंक और एक अंक के पांच प्रश्न यानी कि 5 प्रश्न, तो कुल मिलाकर 15 अंक आपको एकांक से अवश्य आएंगे। तो इन दो एकांकियों में से जो सबसे पहले आपको एकांकी दी गई है वह है सूखी डाली। सूखी डाली एकांक की तरफ हम जाएंगे, जिसको लिखने वाले कौन है, उपेंद्रनाथ अष्ट जी। उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने इस एकांकी को लिखा है, और इस एकांकी में क्या विषय वस्तु है, क्या चीज इस एकांकी में समझाने की कोशिश की गई है, और सूखी डाली का नाम क्यों रखा गया है उपेंद्रनाथ अष्ट जी द्वारा, ये भी हम देखेंगे। तो सूखी डाली एकांकी एक सामाजिक कहानी है, पारिवारिक कहानी है। तो कहानी लगभग 100 साल पुरानी है, 100 साल पहले की कहानी को यहाँ पर उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने बताने की कोशिश की है। किस तरह तब के समय में परिवारों का महत्व किस तरह हुआ था, यह बात बताने की कोशिश की गई है। तो विषय यह है, टॉपिक यह है, इसके अंदर सबसे पहले वो हम देखेंगे, विषय है सम्मिलित परिवार का महत्व। सम्मिलित यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जो पिछले 100 साल पहले जो है किस तरह सम्मिलित परिवार का महत्व हुआ करता था, लोग किस तरह सम्मिलित परिवार को एक समाज में इज्जत की निगाह से देखा करते थे। अगर कहीं है दो जनरेशन, दो पीढ़ियां, तीन पीढ़ियां एक ही परिवार में एक ही घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं, तो तब के समय में उन लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, एक समाज में एक मान सम्मान हुआ करता था। आज की बात अलग है, आज की बात अगर आपको बहुत कम होता है कि जहां पर आप सम्मिलित परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिलीज को देखते हैं। आज एक ही शहर में रहकर भी क्या है, एक ही लगभग एक ही मोहल्ले में रहकर भी आजकल क्या हो जाता है, भाई भाई क्या है, अलग अलग क्या है रहते हैं। लेकिन 100 साल पहले की यहाँ पर कहानी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह क्या है एक सम्मिलित परिवार का महत्व हुआ करता था। उस समय अगर कोई सम्मिलित परिवार मिलजुल कर रहता है तो उसका मान सम्मान अलग था, उस परिवार को सबसे सभ्य परिवार माना जाता, उसके अंदर ज्यादा सभ्यता है, ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ज्यादा खुशहाल परिवार है, बड़ा परिवार है, किस तरह से सोचा जाता था। तो उस समय की यह कहानी है। तो लगभग सम्मिलित परिवार है, तो हर सम्मिलित परिवार का क्या होता है, का सदस्य जो होता है वो जो क्या है घर का बड़ा होता है। तो प्रस्तुत परिवार में भी यहां पर घर के बड़े कोई है तो वो कौन है, दादा मूलराज। दादा मूलराज इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जो सूखी डाली हम कहानी बताने जा रहे हैं, जहां पर सम्मिलित परिवार के बारे में बताया गया है कि सम्मिलित परिवार किस तरह महत्व होता है, क्या सम्मिलित परिवार में विशेषताएं होती हैं, क्यों जरूरी है, ये बात बताई गई। तो हर सम्मिलित परिवार का एक घर का बड़ा सदस्य होता है, बुजुर्ग होता है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पर दादा मूलराज है, ये इस
के मुखिया हैं, इस परिवार के बड़े हैं। दादा बुढ़ा अपने आप को एक वृक्ष की तरह समझते हैं, एक वट वृक्ष की तरह समझते हैं, और घर के बाहर बाहर जो बहुत सारे सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों को उन्होंने अपने आप को अगर वृक्ष माना है तो दादा बुढ़ा ने घर के बाकी सारे सदस्यों को वह उस वृक्ष की डालियां समझते हैं। जैसे एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष बड़ा दिखने के लिए, हरा भरा दिखने के लिए उसके अंदर पत्ते और उसकी क्या है मजबूत डालियां होती हैं, और डालियां भी हरी भरी होती हैं। तो वैसे ही एक बड़ा परिवार ये वृक्ष है, और ये सारे जो सदस्य हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारे सदस्य जो हैं इस परिवार की क्या है डालियां हैं। और इस परिवार में जब एक कोई नया सदस्य आता है तो किस तरह समस्याओं की शुरुआत होती है, और किस तरह एक व्यक्ति जो है अपने पत्नी के साथ अलग होने की बात करता है, यानी कि पेड़ वृक्ष से एक डाल सूखने लगती है तो किस तरह उस सूखी डाल को बचाते हैं दादा बुढ़राज, यही इस कहानी का क्या है महत्वपूर्ण विषय है। किस तरह वह एक परिवार को, टूटते हुए परिवार को एक करते हैं। किसी पेड़ है और पेड़ की कोई एक डाली सूख रही है तो किस तरह उस डाली को क्या है वह बचाते हैं, यही इस पाठ का विषय है। इसीलिए इस पाठ का जो नाम भी दिया गया है वो है सूखी डाली। आशा करता हूं कि आपको इस पाठ का नाम सूखी डाली क्यों रखा गया है ये समझ में आया होगा, और इस पाठ की विषय वस्तु क्या है, क्या विषय इस पाठ में समझाने की मूलराज क्या है रूपेंद्रनाथ कोशिश कर रहे हैं। और मूलराज इस वृक्ष के समान है तो ये सारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इसी वृक्ष की डालियों के समान है। तो प्रस्तुत विषय यही है कि परिवार है और सम्मिलित परिवार है, और किस तरह सम्मिलित परिवार को बचाने की कोशिश क्या है दादा मूलराज करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कौन है, हमारा दादा मूलराज है, इनका परिचय हम देखेंगे। तो दादा मूलराज की उम्र लगभग 72 years 72 वर्ष हो चुकी है, और किस तरह उन्होंने परिवार को संभाल कर रखा है और बाकी के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ के पात्र के बारे में हम जानेंगे, पात्रों की बात हम करेंगे तो तीन पीढ़ियों से यहाँ पात्र, यहाँ इस पीढ़ियों का पात्र क्या है एकांकी में है, लेकिन आपको सबसे जरूरी बात को मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रस्तुत पाठ में पुरुष पात्र ज्यादा नहीं, केवल क्या है यहाँ पर तीन पुरुष पात्र हैं, मूलराज हैं, उनका मंझला बेटा है और क्या है परेश। इसके अलावा यहाँ पर स्त्री पात्र बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर बड़ी भाभी वज्री भाभी और छोटी भाभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहु भाभी का ही नाम यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हीं के पात्र यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये बात मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि प्रस्तुत पाठ में सिर्फ स्त्रियों के पात्र सबसे ज्यादा है। अब दादा मूलराज है, दादा मूलराज परिवार के सबसे बड़े हैं और इनकी तीन संतान और तीन बेटे हैं, तीन बेटों के बहुए के परिचय देखिए। बड़ा बेटा है तो उसकी पत्नी बड़ी भाभी कहलाएगी जो मूलराज की बहू है, और मझला बेटा है तो मझला बेटा जिसका नाम करमचंद है इसका एक पात्र आएगा, इसलिए हमने क्या किया है इसका नाम यहाँ पर लिखा है, और इसकी पत्नी को क्या कहा गया है यहाँ पर मझली भाभी कहा गया है। तीसरा बेटा है क्या है दादा मूलराज का, और उसकी पत्नी को क्या कहा गया है यहाँ पर छोटी भाभी कहा गया है। मतलब यहाँ पर दादा मूलराज के बेटों के बारे में ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा पात्र नहीं है, उनकी बहुओं के ज्यादा पात्र है, इसीलिए सिर्फ मैंने क्या किया है यहाँ पर बहुओं के नाम लिखे हैं। तो तीन बहुएं हैं दादा मूलराज की, जिसको इस पाठ में क्या कहा गया है बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी, तीन दादा मूलराज क्या है यहाँ पर बहुएं हैं। और इनकी बहुएं बड़ी भाभी जो है, बड़ी भाभी की बहू को बड़ी बहू, मझली भाभी इसकी बहू को मझली बहू, और छोटी भाभी जो है इनकी दो संतानें हैं, एक इनकी बहू जो है छोटी बहू कहलाएगी, इसका पति परेश है और छोटी भाभी की एक और संतान है
इंदु। तो दो संतानें हैं, जैसे हम देख सकते हैं छोटी भाभी क्या है, परेश और इंदु की माँ है। छोटी भाभी की बहू छोटी बहू, मंझली भाभी की बहू मंझली बहू, और बड़ी भाभी की बहू बड़ी बहू। ये जो है दानापुर राज के सेकंड जनरेशन की तरफ यानी दूसरी पीढ़ी के लोग है। तीन यहाँ पर बातें बताई गई है और दो पात्र हैं भाषी और मनु है, ये दो घर के बच्चे हैं। ये जो है बड़ी बहू और मंझली बहू के बच्चे हैं, इनका ज्यादा इनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं है। बाकी जो दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है वो है रजवा है, घर की नौकरानी है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और पारो जो है घर की पड़ोसन है। तो प्रस्तुत भाग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दादा मूलराज के बेटों के बारे में नहीं, हमने किसके बारे में देखा है, बहुओं के बारे में देखा है। तीन बेटे हैं, बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी बड़ी भाभी जो धूलराज की बड़ी बहू है, दादा धूलराज की दूसरी बहू को क्या है मछली बहू को मछली भाभी कहा गया है, दादा धूलराज की तीसरी बहू को क्या है छोटी बहू कहा गया, छोटी भाभी कहा गया है। बड़ी भाभी मछली भाभी छोटी भाभी ये तीनों जो है दादा धूलराज की बहुए हैं। अब इनकी बहुओं को बड़ी बहू, मछली बहू को मछली बहू, और छोटी भाभी की बहू को छोटी बहू यहाँ पर कहा गया है। छोटी बहू इसका पति जो है परेश है और इसकी बहन है इंदु। छोटी भाभी के दो संतानें परेश और इंदु का यहाँ पर परिचय दिया है। छोटी बहू की बात करें हम, छोटी बहू है इसका नाम जो दिया गया है यहाँ पर बेला है, और परेश का परिचय है, परेश जो छोटी भाभी का बेटा है और ये एक सरकारी नौकर है, तहसीलदार के रूप में क्या करता है यह काम करता है, यह एक सरकारी नौकर है। ये जो है परिवार के सदस्यों का यहाँ पर हमने परिचय देखा। अब देखते हैं कि एक एक करके हम हर एक आदमी का परिचय देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्त्री पात्र ज्यादा है इसलिए मैंने क्या किया है बेटों के नाम नहीं लिखे हैं, पहले ही बताया है यहाँ पर क्या है बहुओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मूलराज कभी अपने परिचय देखा, 72 वर्ष उनकी आयु है, अपने आप को एक वृक्ष समझते हैं और बाकी सारे सदस्यों को वह उस वृक्ष की डालियां समझते हैं। मूलराज का जो बड़ा लड़का है जो बड़ी भाभी का पति है, वो 1914 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते लड़ते महायुद्ध में क्या हो गया है शहीद हो चुका है। अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए वह महायुद्ध में शहीद हो गया है और यहाँ पर उसका पात्र नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पर उसकी पत्नी का पात्र है जिसका नाम है बड़ी भाभी है जो मूलराज की बड़ी बहू है, और बड़ी भाभी की बहू बड़ी बहू यहाँ पर बात बताई गई है। तो दादा मूलराज का लड़का जो है वो 1914 में अंग्रेज सरकार की तरफ से लड़ रहा था और उस महायुद्ध में वो शहीद हो गया। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उसको खुश होकर क्या है एक मुरब्बा जमीन, एक मुरब्बा यानी कि जो आज के समय में हम अगर उसकी क्या है तुलना देखेंगे तो 5000 स्क्वायर फीट जो होता है उसको क्या 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 कहा जाता है एक मुरब्बा जमीन क्या है। लेकिन दादा मूलराज इससे संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया अपनी मेहनत से अपनी लगन से क्या किया मेहनत करके एक मुरब्बा जमीन को उन्होंने 10 मुरब्बा जमीन बना ली। इतनी संपत्ति उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से बनाई और परिवार के सभी सदस्यों को क्या है अलग अलग जमीदारी देते हैं। एक मुरब्बे का 10 मुरब्बा उन्होंने जमीन बनाई और 10 मुरब्बे के अंतर्गत उन्होंने क्या है फार्म खोला, डेयरी खोली और क्या है चीनी का कारखाना खोला उन्होंने, क्या है डेयरी खोली और सारे अलग अलग कारखाने उन्होंने खोले, और इसकी बात देखभाल देने के लिए दो बेटे यानी कि करमचंद और छोटी भाभी का पति जो है दो बेटे और इन बड़ी बहू और मछली बहू का पति जो है इनको दो पोते इनको क्या है इन्हें जिम्मेदारी दे दी है। जो उन्होंने डेयरी खोली है, जो फार्म खोला है, जो जमीन जमीन ज्यादा उन्होंने बनाई है, चीनी का कारखाना उन्होंने खोला है दादा मूलराज से, सारी जिम्मेदारी उनके दो बेटे और दो पोते क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी निभा रहे हैं दोनों बेटे और दोनों पोते। बड़ा बेटा जो है उनका एक युद्ध में शहीद हो चुका है। तो एक मुरब्बे का 10 मुरब्बा उन्होंने बनाया और सारी संपत्ति की देखभाल वह कर रहे हैं। अब बात में आते हैं इस पूरे पाठ का जो है एक और महत्वपूर्ण किरदार है वो है परेश।
परेश और छोटी बहू बेला के बारे में बात करते हैं। ये दोनों के पापा के बारे में हम बात करते हैं। परेश जैसा कि मैंने कहा कि वह एक सरकारी नौकर है, तहसीलदार बन गया है। उस समय में सरकारी नौकर वो भी तहसीलदार की क्या है पोस्ट उसने हासिल की है, तो निश्चित रूप से क्या है समाज में बहुत ही इज्जत का इज्जत किसकी बन गई है, राजा गुणराज की बन गई है, क्योंकि उनका छोटी बहू का पोता छोटी बहू का बेटा जो है परेश है, जो उनका छोटा पोता है, वह तहसीलदार बन गया। तहसीलदार बन गया और उसका विवाह जो है उसकी शादी जो है लाहौर की एक अमीर घर की एक लौकी संतान कौन है बेला, जिसको छोटी बहू छोटी भाभी की बहू छोटी बहू कहा गया है, बेला से उसका विवाह हो गया। बेला के साथ उसका विवाह हुआ है जो एक लाहौर जो अब जो है पाकिस्तान में है, लाहौर की एक अमीर घर की एक लड़की है बेला, जो छोटी बहू बनकर क्या है छोटी भाभी की बहू बनकर छोटी बहू बनकर इस घर में आई है। बेला भी ग्रेजुएशन तक कर चुकी है, उस समय में लगभग प्राइमरी तक और टेंथ तक शिक्षा हासिल करना भी 100 साल पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आप सोच सकते हैं कि ग्रेजुएशन किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस समय में ग्रेजुएशन करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो छोटी बहू जो बेला है वो भी क्या है ग्रेजुएशन कर चुकी है, उसका पति जो है वह भी क्या है तहसीलदार के रूप में क्या है काम करता है, दोनों यहाँ पर काम करते हैं। और इस घर में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पात्र हम देखने जा रहे हैं वो है इंदु का, जो परेश की बहन है और छोटी भाभी की बेटी है। इंदु का पात्र हम देखेंगे, इंदु जो है घर की पोती है और छोटी पोती है और प्राइमरी तक इसने शिक्षा हासिल की है, तो अब लगभग घर में अगर कोई ज्यादा पढ़ाई का था तो कौन है इंदु थी। इंदु प्राइमरी तक शिक्षा हासिल कर चुकी है और अपने दादा से बहुत प्यार करते हैं, अपने दादा की वगैरह लाडली थी। लेकिन जब बेला यानी छोटी बहू यानी कि बेला परेश से विवाह करके आती है तो इस समय अगर घर में अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है तो इस वक्त कौन है छोटी बहू बेला है। तो इंदु को बहुत क्या है परिणति थी अब तक घर में, लेकिन उसके बाद जो है आती है बेला आती है। बेला ने ग्रेजुएशन क्या है हासिल किया है और बहुत क्या है अमीर और सुशिक्षित क्या है पोतहू पोतहू यानी कि पोते की बीवी को पोतहू कहते हैं, और परेश जिनका गुलराज का पोता है उसकी बीवी जो है बेला है सबसे सुशिक्षित और अमीर घर की क्या है दौलत पोती लाते हैं बहू लाते हैं। और ये विषय दादा गुलराज के लिए बहुत ही आदर का विषय बनता है, पूरे समाज में दादा गुलराज की इज्जत बढ़ती है क्योंकि बेला ने ग्रेजुएशन किया है, इतना बहुत पढ़ी लिखी है, एक अमीर घर की लड़की है और एक लौकी संतान है। तो अब जो बाकी अभी तक जो था बड़ी भाभी हो या उसकी बहू बड़ी बहू है, मछली भाभी है उसकी बहू मछली बहू है, छोटी भाभी है या हिंदू है, ये सारी जो स्त्रियां थी बहुत ही सीधी सारी स्त्रियां थी इस घर में अभी तक। तो अब इन सारी स्त्रियां जो बहुत सीधी सारी स्त्रियां हैं और परिवार का कहना मानती हैं, बड़ों का कहना मानती हैं, दादा मोहनराज हो चाहे उनके पति हो जो भी है उनका क्या है बात मान रहे, सीधी सारी स्त्रियां थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उन्होंने अगर ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो सिर्फ हिंदु थी, और हिंदू से भी ज्यादा पढ़ी लिखी कौन आ गई है वह बेला छोटी बहू आ जाती है। तो इसके आने से समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे एक तालाब में आप देखते हैं तालाब शांत तालाब में पत्थर फेंकने से किस तरह लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही बेला के आ जाने के बाद इस परिवार में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बेला एक अमीर घर की एक लौकी संतान है, उसने कभी भी संपन्न परिवार में कहीं नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक लौकी संतान है घर में अकेली है अमीर घर की है, और अचानक वो जब इतने भरपूर घर में आ जाती है दादा गुरुराज इतने सारे सदस्य हैं घर में ऐसे घर में आ जाती है तो किस तरह समस्याएं वो झेलती है, समस्याएं किस तरह घर में पैदा होती हैं, तो किस तरह दादा गुरुराज बड़प्पन दिखाते हुए किस तरह समस्याओं का समाधान करते हैं, ये सारा विषय इस पाठ में क्या है बताया गया है। तो बेला के आ जाने से किस तरह समस्याएं शुरू होती हैं ये बात हम देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा
पात्रों का परिचय हमने देखा, दादा मूलराज, इनकी तीन बहुएं, बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी, ये दादा मूलराज की तीन बहुएं हैं। इनकी बहुएं बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू बेला, जो अभी अभी इस घर में आई है, और परेश उसका पति है और इंदु परेश की बहन है, तो अभी अभी वो इस घर में आ रही है। तो किस तरह समस्याएं शुरू होती हैं ये हम देखेंगे। पाठ शुरुआत में हम देखेंगे, पाठ जहां से शुरू होता है वहां हम जाएंगे, कि पाठ जब शुरू हुआ तो दोपहर का समय है और सम्मिलित परिवार है, तो आप जानते हैं हमेशा क्या है, शोर मचता ही रहता है, किसी न किसी चीज का शोर होता ही रहता है, घर का बरामदा है, घर का आंगन है, तो हमेशा क्या है वहां पर क्या है शोर मचता ही रहता है, चाहे दिन भर क्या है कपड़े धो रही हैं, दूध सेक रही हैं, घर की स्त्रियां चरखा चलाती रहती हैं वहीं बैठकर, कभी कभी गप्पे लड़ाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, और आंगन का जो नल है, नल का पानी हमेशा गिरता रहता है, यानी कि चाहे उनका कभी सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, चाहे वो कपड़े धोना है, चाहे बर्तन धोना है, वगैरह वगैरह काम होते ही रहता है। तो 2400 घंटे क्या है वहां पर शोर मचता ही रहता है, हमेशा किसी न किसी क्या है चीज की आवाज आती ही रहती है। तो पाठ की शुरुआत तो वैसे ही होती है, लेकिन समय अब दोपहर का है, एकांकी की शुरुआत होती है, समय दोपहर का है, पर्दा उठता है तो स्तब्धता यानी कि खामोशी है, चारों ओर खामोशी है, इसी तरह की कोई आवाज नहीं है, केवल स्त्रियों की आवाज आ रही है, बातें कर रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण के पश्चात क्या है क्या देखते हैं हम, दो बातें यहां पर आते हैं। सबसे पहला पाठ तो हमने यहां पर जो पाठ में आता है वो है इंदु। पाठ की शुरुआत में इंदु का पात्र शुरू होता है। इंदु बहुत बकरी हुई है यानी कि बहुत गुस्से में, किसी बात को लेकर इंदु बहुत गुस्सा है, गुस्से से क्या करती है एकांत में इस पात्र का प्रवेश होता है। तो इंदु प्रवेश करती है, इंदु के पीछे पीछे जो है बड़ी बहू भी क्या करती है उसके साथ प्रवेश करती है। इंदु किसी बात को लेकर क्या है होता बस क्या है गुस्सा, और बड़ी बहू जो है इंदु को पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किस बात को लेकर तुम गुस्सा हो, इंदु किस बात के लिए गुस्सा है ये बात थोड़ा जानना चाहती है। तो उसे पूछती है कुछ कहो कि आखिर क्या बात है तुम गुस्सा हो, पूछती है। तो इंदु बता कुछ क्षण के लिए चुप रहती है और फिर पूछने पर कहती है कि किसी के बारे में बात कह रहे हैं, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता है, अपने और अपने मायके के क्या है सामने होगा तो किसी को कुछ गिनती ही नहीं है, हम तो उसके लिए मूर्ख है, गवार है और सभ्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है जिसके अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो इंदु किसी के बारे में बात कर रही है बड़ी बहू के सामने कि कोई है जो अपने मायके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझती, हम लोगों को कुछ गिनती ही नहीं है, हम उसके लिए मूर्ख हैं, गवार हैं और हम उसके लिए असभ्य हैं। तो बड़ी बहू को आश्चर्य होता है, कौन है जो ऐसा सोचती है, इस घर में कौन सी स्थिति है जो ऐसा सोचती है। तो पता चलने में दूर नहीं देर नहीं लगती कि वो किसके बारे में बात कर रही है, ये बात हम जानते हैं कि इंदु छोटी बहू बेला के बारे में बात कर रही है, जो अभी अभी इस घर में विवाह करके आई है, जो एक अमीर घर की लड़की है, एक लौकी संतान हो रही है, जो लाहौर के ग्रेजुएट हो चुकी है और इसके बाद कोई शिक्षक है इस घर में तो वो हिंदू है, हिंदू ने प्राइमरी तक की शिक्षा हासिल की है। तो छोटी बहू बेला ने क्या है ग्रेजुएशन हासिल की है, तो वो प्राइमरी तक शिक्षा हासिल इंदु ने। तो इंदु बता रही है कि वो अपने मायके के लोगों के सामने कुछ गिनती नहीं है, हमको असभ्य समझती है, मूर्ख समझती है, हम लोगों को क्या है वह गवार समझती है। तो बात करते करते देर नहीं लगता कि वो किसके बारे में बात कर रही है, बेला के बारे में बात कर रही है। तो बड़ी बहू ये पूछने के बाद बताती है कि वह बेला के बारे में बात कर रही है। तो क्या हुआ पूछती है बड़ी बहू कि आप क्या बोल रहे हैं मैं। तो इंदु बताती है कि बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी, मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। मिश्रानी रानी कौन है, नौ रानी की बात हो रही है, नौ रानी को किसने हटा दिया है, बेला ने काम से हटा दिया है और बाहर बेचारी नौकरानी कौन है रजवा खड़े होकर क्या कर रही है,
रो रही है। ये बात इंदु को पता चली और इंदु बता देता है कि बेला ने नौकरानी को यानी कि मिश्रानी को काम से क्या है निकाल दिया है। तो बड़ी गुरु उसका कारण पूछती है क्यों क्या है उसका दोष है। तो दोष इतना ही था, इंदु बताती है कि दोष इतना ही था कि उस बेचारे को उसका दोष इतना ही था कि उसे काम करना नहीं आता है। किसके हिसाब से? बेला के हिसाब से रजवा को काम करना नहीं आता है। तो इंदु बताती है, इंदु कहती है कि उस बेचारे ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी, भला कितने दिन हुए मुझे यहाँ काम करते हुए। हाँ, किंतु बहुरानी न मानी, क्या है झाड़ उन्होंने हाथ से छीन लिया और कहा कि तू अब उहट मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। और अभी तक इतना तो सलीका, सलीका है कि तरीका, तरीका ढंग जिसे कहते हैं, नहीं बैठ नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन तो तुम क्या सीख जाएगी, 5-10 दिन में तो क्या सीख जाएगी, अब तक तुझे नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है, बैठक यानी कि जो फर्श होता है। तो बहुरानी ने, छोटी बहू ने नौकरानी को काम से निकाल दिया है। इसलिए काम से निकाल दिया है क्योंकि बेला सोचती है कि क्या है रजवा को बिल्कुल काम करना नहीं आता, तो इसलिए उसने क्या कर दिया है और बात क्या क्या है नौकरानी से क्या इसको काम को हटा दिया है। और इस बात को लेकर इंदु क्या करती है, इंदु इस बात को लेकर जाकर बेला से बात करती है कि क्यों काम से हटा दिया, क्या विषय हो गया। ये बात उधर बेला से कर चुकी है। इन सारे विषयों को उन्होंने, इंदु ने बेला से क्या बात की वह क्या है बड़ी बहू के सामने अभी बता रही है। क्या बात की, क्या क्या बातें हुई, क्या है क्या क्या बातें हुई है, ये भी हम क्या है देख सकते हैं। वो बताती है कि परिवार के बारे में बताती है कि उसको काम करने का सलीका नहीं है, इसलिए क्या कर दिया है बेला ने उसको काम से निकाल दिया है। तो सलीका की है तो इंदु बताती है कि मैंने जाकर समझाया, किसको समझाया, बेला को समझाया। क्या इंदु ने समझाया था बेला को जाकर, ये बताया कि भाभी 10 साल से यह मिश्रानी घर का काम कर रही है, यानी कि रजवा जो है इस घर में काम कर रही है। तो कितने सालों से? 10 साल से काम कर रही है। यह आजकल की नौकरानी नहीं है, रजवा जो मिश्रानी है 10 साल से काम कर रही है। ये बात इंदु जाकर बेला को समझाती है, क्या समझाया उसने, 10 साल से काम कर रही है और घर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, और तुम्हारा न जाने कौन सा काम है जो इससे नहीं आता। फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकरों से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए, तमीज यानी कि अच्छा व्यवहार, बिहेवियर। किसने समझाया, उन्होंने बेला को समझाया कि नौकरों से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। नौकर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जैसा मन में आए उनके साथ व्यवहार किया जाए, एक तरीका होता है, सभ्यता होती है। ये बात तमीज की बात कौन कहती है, हिंदु किससे कही है, उसने बेला से कही है। तो बड़ी बहू पूछती है तुमने ऐसा कहा, तो उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, इसने बेला। तो हिंदु कहती है कि झट से बोली, वाह तमीज तो बस आप लोगों को है, मैंने कहा तुम तो बस लड़ते हो, सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर क्या है इंदु को, इंदु ने इस बात को कहा और बेला को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ढंग मुझ में नहीं आता, मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं, फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो, पहचान हो, उसे काम लेना आता है। सुबह शाम सिर्फ झाड़ू मार देने से उसको सफाई नहीं किया करते, नहीं कहा जाता। इतना ही नहीं, सिर्फ सफाई करना घर का काम नहीं है, घर की बनावट सजावट भी कोई चीज होती है, इसके अनुसार है बेला के अनुसार। तो यहाँ पर बेला और इंदु के बीच में क्या क्या बातें हुई है, इसे लेकर नौकरानी रजवा को लेकर क्या क्या बातें हुई है, ये बात यहाँ पर इंदु बड़ी बहू के सामने बता रही है। तुम न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ फूहड़ यानी कि निकम में नौकरों से काम गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में होता तो ऐसी गवार मिश्रान को 2 दिन छोड़ो तो घड़ी भी मैं इसको क्या नहीं करने देती, टिकने नहीं देती। ये सब बातें किसने कही है, बेला ने कही है। किसके सामने, इंदु के सामने। इंदु और बेला के बीच में जो जो बातें हुई है उन बातों को लाकर इंदु किसके
बड़ी बहू के सामने बता रही है कि हम दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, किसको लेकर, नौकरानी को लेकर, क्यों काम से हटाया गया, क्या उसकी समस्या थी और इंदु के अनुसार क्या क्यों उसको काम हटाया गया, ये पूछने के लिए वह बेला के पास जाती है। बेला का एक अपना क्या है, क्या है, एक फैसला है कि उसको काम करना नहीं आता, वो सिर्फ साफ सफाई को ही काम समझते हैं आप लोग, घर को सजाना पड़ता है, बनावट भी होती है, ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए उसने क्या किया है, वह उसको काम से हटा दिया है। और घर की सारी चीजें को सजाना सजाना भी एक काम होता है, इसीलिए उसने क्या है, रजवा को काम से हटा दिया है, बेला बता दिया है। तो इंदु उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, आप देखो इसको काम से मत निकालो, क्योंकि रजवा जो है 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, 10 साल हो गए हैं उसको यहाँ काम करते हुए, आप इसको काम से मत निकालो। लेकिन फिर भी क्या है, वह बेला नहीं मानती है, ये बात बेला बताती है और अंत में कहती है कि बेला पी लिया, आप लोग न जाने कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, इसको रजवा को 10 साल से अगर मेरे घर में होती तो 2 दिन छोड़ो, 2 पल के लिए भी मैं इसको घर में टिकने नहीं देती। अचानक वह क्या है, बेला अपने मायके के बारे में बात करती है, क्योंकि वह भी क्या है, नौकरों चाकरों में पल बढ़कर बड़ी हुई है, वो भी एक घर की सदस्य है। तो इस बात पर क्या है, इंदु को क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने जब कहा कि सीधे से उसने अपने मायके के बारे में कहा, तो कहती है, इंदु कहती है, तो बड़ी बहू कहती है, कहीं उसने ये सब बातें, क्या सच में उसने ऐसा कहा कि मेरे घर में नौकर होता तो 2 दिन नहीं रुकता वगैरह वगैरह, उसने सच में ऐसा कहा? तो इंदु कहती हाँ उसने ऐसा ही कहा, और कहती है कि जब से आई है यही तो सुना रही है कि अगर नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में नौकर अच्छे हैं, अगर खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके का खाना पीना अच्छा है, और कपड़े अगर घर के अगर किसी को पहनने आते हैं तो उसके मायके में वालों को पहनने आते हैं, हम लोगों को वह कुछ समझती नहीं है, न जाने हम कैसे जी रहे हैं उसकी दृष्टि में, और यहाँ के लोगों का खाना पहनना ओढ़ना कुछ भी इसको पसंद नहीं है, बेला को पसंद नहीं है, कोई भी चीज उसको पसंद नहीं है, वह अपने मायके वालों के सामने अपने ससुराल कुछ समझती ही नहीं है, यह इंदु बताती है। और कहती है कि वह हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है, यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना और कुछ नहीं आता, हमारे नौकर गवार है, हमारे पड़ोसी गवार है, और हम स्वयं भी क्या है, बेला की दृष्टि में गवार है, ये बात कौन बताती है, इंदु बताती है। तो इसलिए हमने दृश्य का पहला दृश्य देखा कि गुस्से में क्या है बेला का प्रवेश होता है, क्यों गुस्से में बेला का प्रवेश होता है, ये बात भी हमने देखा कि 2 कारणों से लेकर क्या है बेला को, बेला के ऊपर इंदु को बहुत गुस्सा है। सबसे पहली बात तो उसने क्या किया है, रजवा को काम से निकाल दिया, जो लगभग 10 साल से काम कर रही है, किसने निकाला है, बेला ने रजवा को काम से निकाल दिया है, इस बात को लेकर इंदु को गुस्सा है, और क्योंकि वो उसको काम करने का दर्द नहीं आता, तरीका नहीं आता ऐसा बेला समझती है इसके बारे में, विचारी के बारे में। और दूसरा जो है कारण है वो ये कारण है कि बेला जो है बात बात पर हर बात पर अपने मायके की तारीफ करती है, ये 2 कारण है जिसको इंदु को बहुत गुस्सा आया है, और इन दोनों के बीच में नौकरानी को लेकर बहुत सारी बातें कहा सुनी हुई, ये सारी बातें अब इंदु क्या कर रही है, बड़ी बहू को बता रही है। तो ये प्रस्तुत भाग में हमने देखा कि परिवार का परिचय हमें जाना, दादा मूलराज और इनकी 3 बहुएं और इनकी 3 बहुएं के बारे में जाना, इन लोगों का ज्यादा पात्र नहीं है, 2 विशेष पात्रों के बारे में जाना, छोटी बहू जो अभी अभी विवाह करके घर में आई है और उसकी क्या है वह उसके पति परेश की बहन इंदु के बारे में हमें जाना, इन 2 पात्रों के बारे में हमने अभी अभी जाना कि किस तरह इंदु और बेला के बीच शुरुआत में ही झगड़ा हो चुका है, इस बात को लेकर रजवा नौकरानी को लेकर। अब हम देखेंगे कि अगली कक्षा में हम देखेंगे कि इन झगड़ों के बीच में बड़ी बहू और यहाँ पर इंदु की बातें हो रही हैं, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है बेला को लेकर, तो इस स्थिति में अचानक छोटी भाभी यानी कि इंदु की मां है और छोटी बहू बेला की वह सास भी है, इनका प्रवेश होता है।
छोटी भाभी का प्रवेश होता है इंद्रुज की और बड़ी भाभी के बड़ी बहू के बीच की बातों में। अब छोटी भाभी किसकी और तरफ से बातें करती है, या बेला की तरफ से बातें करती है या इंदु की बात से हिट कराती है। तो छोटी बाबू के लिए, छोटी भाभी के लिए धर्म संकट का क्या है समय है कि वो किसकी ओर जाए, या तो बेटी की ओर या फिर बहू की ओर, किसकी ओर वो बात करती है, किसकी तरफ से होकर वो बात करती है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे पाठ के क्लास के अगले भाग में हम देखेंगे। तो प्रस्तुत भाग के लिए इतना ही काफी है, जहां हमने सबका परिचय जाना, कौन कौन क्या क्या काम करता है, कितने समय से काम करता है ये हमने जाना, और इसके अलावा हमने परेश पत्नी जो है चूंकि बहु बेला और इंदु के बीच का झगड़े का कारण दो कारण विशेष रूप से हमने देखा, नौकरानी को लेकर, और दूसरा कारण जो है बार बार बेला क्या करती है अपने मालिक की बकाई करती है। यह विषय हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में क्या